महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा के नतीजों के बाद मोदी लहर पर सवार बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनने में सफल रही। हरियाणा में पूर्व बहुमत तो मिली, लेकिन महाराष्ट्र में त्रिशंकु विधानसभा बनना तय है। महाराष्ट्र में ऐसे हालात उभर रहे हैं जहां बीजेपी और शिवसेना के फिर से करीब आने की संभावना है। लोकसभा चुनाव के बाद ये दोनों राज्यों का चुनाव सबसे बड़ा पहला चुनाव था, बड़े पहले चुनाव थे, और दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अप्रत्याशित सफलता पाई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र भाई के नेतृत्व में दोनों राज्यों ने भरोसा व्यक्त किया है, और अब भारतीय जनता पार्टी का फर्ज बनता है कि हम दोनों राज्यों में अच्छी सरकार दें, ऐसी सरकार दें जो जनता की अपेक्षा पर खरी उतरे। राज्य में चुनाव नतीजों और रुझान से मिले संकेत के आधार पर बीजेपी बहुमत के जादुई आंकड़े से पीछे दिख रही है, जिससे राज्य में एक बार फिर गठबंधन सरकार की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से महाराष्ट्र में सरकार स्थापित करेगी। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, एक पारदर्शी सरकार हम महाराष्ट्र की जनता को देंगे। वहीं एनसीपी ने बीजेपी को समर्थन देने की बात कही है। विकास के लिए हमें लगता है कि हम किसी भी एक सरकार बनाने के लिए कॉम्बिनेशन को साथ दे। इस परिस्थिति में सबसे बड़ा पक्ष क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है, हमें लगता है कि हमने उनको बाहर से समर्थन देना ताकि महाराष्ट्र में वो सरकार बनाने की प्रक्रिया पूरी कर सके। अभी अभी ये बयान आया है, इस पर हम विचार करेंगे। जो बयान है वो किस मंशा से दिया है, क्या है उसके पीछे, किस प्रकार से वो क्या चाहते हैं, कौन सी शर्तें या नहीं है, ये सारी चीजों का विचार हम लोग करेंगे। और किसके साथ जाना चाहिए, महाराष्ट्र के हित का क्या है, फैसला महाराष्ट्र के हित को आगे रखकर ही किया जाएगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की मतगणना में 288 सीटों पर अब तक प्राप्त रुझान में बीजेपी 119 सीटों पर आगे चलते हुए सबसे बड़े दल के रूप में उभर रही है। वहीं शिवसेना 58 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस 45 सीटों पर, एनसीपी 44 सीटों पर, एमएनएस 3 सीटों पर और अन्य दल 19 सीटों पर आगे चल रहे हैं। वहीं हरियाणा में बीजेपी ने अब तक प्राप्त रुझानों के अनुसार बहुमत हासिल कर लिया है। हरियाणा की कुल 90 विधानसभा सीटों पर बीजेपी 47 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल 19 सीटों पर, कांग्रेस 15 सीटों पर आगे चल रही है, हजका 2 सीटों पर और अन्य दल 7 सीटों पर आगे चल रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 63.13% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने 287, बीजेपी ने 280, बीएसपी ने 260, भाकपा ने 34, माकपा ने 19, रांगपा ने 278, शिवसेना ने 282 और एमएनएस ने 219 उम्मीदवार उतारे थे। महाराष्ट्र में 4119 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई। राज्य में 288 सीटों में से 36 मुंबई में है। इसमें 234 सामान्य, 29 अनुसूचित जाति, 25 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। वहीं हरियाणा में 76.54% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग करके इतिहास रचा। न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो।